हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद टेक्निकल स्किल एडुटेक स्किल। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा न्यू एपिसोड क्या है। तो आज का जो वीडियो है उसके बारे में आप सबको ही थोड़ा बहुत जानते होंगे, इवन आपके मोबाइल में भी वो बाय डिफॉल्ट फीचर आता है, बट उसको कोई भी यूज़ नहीं करता। तो कैसे हम उसको यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट्स क्या है, चलिए आज हम जानते हैं। और ये वाला पार्ट वन है, पार्ट टू नेक्स्ट वीक में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव क्या है? ये एक ऐसा फाइल स्टोरेज सिस्टम है जो कि आपका मोबाइल या व्हाट्सअप किसी का भी स्पेस यूज़ ना करके गूगल सर्वर का स्पेस यूज़ करता है। सो इसमें आपका मोबाइल या डिवाइस का स्पेस थोड़ा ज़्यादा सेव हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका बेनिफिट क्या है। पहला तो ये एक जीमेल का फीचर है, और सेकंड इसमें आप 15 GB तक डाटा सेव कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। और थर्ड, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल का लिंक शेयर करते हैं तो इसमें आपका नेट यूज़ नहीं होता है। और तीसरा, ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब का भी फीचर है। क्योंकि आपके सबके मोबाइल में गूगल वाला एक फोल्डर होगा और उसमें गूगल ड्राइव ऐसा दिखता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है तो उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैं सिस्टम में कैसे कर रही हूँ, ये मैं इनकॉग्निटो साइट में खोली हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सेफर होता है दूसरे वाला साइट से। तो प्राइवेटली आप अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें करने से ज़्यादा बेटर है। तो देखिए मैं जीमेल में आती हूँ और राइट हैंड साइड में यहाँ पर गूगल ड्राइव लिखा है, तो उसको क्लिक करके मैं गई। जैसे कि मैं इसमें कुछ भी डाटा पहले से सेव नहीं की हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। गूगल ड्राइव में इतना अच्छा अच्छा फीचर है कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आप कैसे अपलोड करेंगे। देखिए आप इसमें कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, JPG, फोल्डर, कुछ भी। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर सिस्टम से अपलोड कर रही हूँ, देखिए फोल्डर, और फिर आपके सामने एक अपना सिस्टम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं अपलोड कर दी। देखिए अपलोड करने के बाद आपका जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे सब कुछ फाइल दिखता है, फाइल या फोल्डर जो भी आपके सिस्टम में है। और फिर देखिए ये फोल्डर के अंदर में मैं ये सारा चीज़ रखी थी तो सारा दिख रहा है मुझे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे आप राइट हैंड साइड में देखिए इसमें कलर चेंज कर सकते हैं आपका फोल्डर का, या फिर इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। न्यू में जाके मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की तो देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गया। फिर इसमें वो सारा फीचर है जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है। तो आप कुछ भी आपको टाइप करके उसको सेंट्रलाइज या फिर एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्ड का हो गया, फिर अभी एक्सेल का, गूगल शीट इसको बोलते हैं, और फिर इसमें आप कुछ भी टाइप करके वही सारा एडिटिंग ऑप्शन है ऊपर वाला, देखिए जितना सारा हिस्सा है। तो इसका एक बेनिफिट क्या होता है, आप कुछ भी करते हैं सिस्टम में सेव होता है, बट ये वाला जो गूगल ड्राइव का गूगल शीट या गूगल डॉक्स होता है वो सारा आपका क्लाउड में सेव होता है, तो इजीली आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए गूगल का पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में कितना सारा अच्छा अच्छा वाला प्री डिफाइंड फीचर है, फॉन्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड देखिए कॉर्नर में एक ऑप्शन है शेयर वाला, फिर इसका रीनेम करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आपको किसके साथ शेयर करना है वो आ जाता है, देखिए यहाँ पर फिर शेयर हो गया। जैसे हम PPT फाइल को शेयर किए उस टाइप हम गूगल शीट और गूगल डॉक को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं फोल्डर को कैसे शेयर करते हैं। और फोल्डर को शेयर करने के लिए आपको फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, फिर देखिए यहाँ पे कोलाबोरेशन का ऑप्शन है शेयर विथ पीपल ग्रुप, ऊपर वाले हिस्सा में आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसका जीमेल आईडी टाइप करेंगे, इसके लिए जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। और देखिए उसमें ऊपर नोटिफाई पीपल लिखा है, उसमें अगर टिक मार्क लगाएंगे तो उसको मेल चला जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आप लिंक कॉपी करके अपने ईमेल आईडी में जाके कंपोज करके उसको लिंक इंडिविजुअली शेयर कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप में भेज सकते हैं। अभी जिसको मेल किए थे उनका वाला हिस्सा देखते हैं उसमें कैसा दिखता है, और ये उनका ड्राइव है। फिर देखिए ये मेल में
जो मेल आया था उसमें ओपन करने के बाद आपको उनका ड्राइव दिखेगा, और ड्राइव में हम ये वाला सब शेयर किए थे। फिर यहीं से मैं दोबारा से एक फाइल शेयर करती हूँ। ये देखिए फकीर मोहन सेनापति जी का जो बुक है उसको शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये मैं पहले शेयर कर दी थी, तो पहले उसको रिमूव करती हूँ उसके बाद शेयर करूँगी। देखिए इसमें व्यूअर, एडिटर और रिमूव बहुत सारा ऑप्शंस रहे। और व्यूअर में क्या होता है, आप सिर्फ देख सकते हैं फाइल को, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, और एडिटर में आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी देखिए शेयर कर दी थी इसीलिए मुझे ये वाला मेल में आ गया। चलिए देखते हैं, अभी मुझे मेल आ गया है। मेल को ओपन करने के बाद अगर आप नोटिफाई नहीं किए होंगे तो उसमें एक लिंक जनरेट होके आया होगा, अगर नहीं किए होंगे तो डायरेक्टली आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर लास्ट फाइल होगा तो ऐसे भी वो लिंक में आएगा। अभी देखिए पूरा फाइल आ गया है मुझे, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। फिर अभी मैं बैक करके, और देखिए आप जितनी बार शेयर करेंगे उतनी बार मेल आ जाएगा आपके पास। तो अभी हम देखते हैं मोबाइल व्यू इसका कैसा रहता है, गूगल ड्राइव का। नॉर्मली जब आप टीम होके काम करते हैं, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट में काम करे और दूसरे दूसरे जन से कुछ अलग अलग कंटेंट आपको चाहिए, तो गूगल ड्राइव उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करके फिर जो भी चाहते हैं वो अपना कंटेंट डाल सकते हैं उसमें, और फिर सब कोई मिल के देख सकते हैं वो वाला फोल्डर को। फिर आपको कोई भी काम ट्रैक करने के लिए इजी होगा। अब ये देखिए आपका मोबाइल में ये फोल्डर ऐसा दिखता है, और ये जितना सारा फाइल मैं शेयर की थी उसके ऊपर देखिए दो वाला इंसान का इमेज आ जाता है। और अगर आप शेयर नहीं किए होंगे तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। आप इसमें स्कैन कर सकते हैं, तो स्कैन अगर करेंगे और फिर उसके नीचे जो बारकोड या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बारकोड में नहीं डाली थी इसीलिए सिर्फ कैमरा ऑन हो गया। तो अभी देखिए बैक कर लेती हूँ मैं इसको। अभी देखिए हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड में क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल में फाइल्स है वो सब दिखता है। फिर उसको एक क्लिक करके सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं फाइल अपलोड कर दी हूँ, और फिर अगर चाहती हूँ तो उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। बट ये देखिए यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ है। बहुत सारा ऑप्शन है मोबाइल में भी आपका, बट इसमें एक इशू होता है कि आप गूगल डॉक्स, गूगल शीट और गूगल स्लाइड्स के लिए आपको दूसरा एप्लीकेशन इंडिविजुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। बट सिस्टम में वो डायरेक्टली नेट में जैसे कि सर्च करते हैं तो ब्राउजर में आ जाते हैं, वो एक फ़ायदा है। देखिए अभी हम जाते हैं शेयर फोल्डर में, जो कि मैं दूसरे अकाउंट से एक फाइल शेयर की थी फकीर मोहन सेनापति जी का। फिर मैं अगर चाहती हूँ तो और एक जन के साथ भी ये वाला फाइल शेयर कर सकती हूँ। फिर जिन जिन के साथ आप शेयर करेंगे नीचे उनका लोगो आ जाता है। अभी गूगल ड्राइव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और उसमें किसी को कॉन्टेंट देना पड़ेगा, किसी को इमेज देना पड़ेगा, किसी को फाइल देना पड़ेगा, तो उसमें एक फोल्डर क्रिएट कर दिए और सबके साथ सबको उसमें लिंक कर दिए, मतलब कोलैबोरेट कर दिए, उसके बाद कौन क्या दिया उसको ट्रैक रखने में आपको इजी होगा। फिर आप उसको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ उसमें एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होगा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है हु हैज एक्सेस, इट मीन्स कि आप किस किस को ये फाइल शेयर किए हैं वो सबका मेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है, और सबको ये वाला लिंक भी दिखेगा। जिसके साथ फाइल शेयर नहीं हुआ है उसको ये लिंक नहीं दिखेगा। तो उसमें देखिए 8 पीपल और ग्रुप, मतलब आप कितने जन को भी ये फाइल शेयर कर सकते हैं या फिर कोई ग्रुप को शेयर कर सकते हैं। और देखिए इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टार वाला फोल्डर जितना है आपका आ जाएगा, और शेयर्ड में शेयर्ड वाला आ जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रिसेंट, ऑफलाइन, बिन, नोटिफिकेशन और बहुत सारा ऑप्शन है। तो बाकी का जितना बचा इसमें देखिए ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, गूगल शीट, डॉक, स्लाइड और बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, वो नेक्स्ट वाला पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी।
जब हम फाइल किसी के साथ शेयर करते हैं तो देखिए नीचे जो नोटिफाई पीपल के नीचे एक मैसेज बॉक्स आता है जिसमें आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, मतलब आपका जो लिंक रहेगा लिंक के साथ नीचे अगर आप हिंट्स के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। और जितने जन को आप फाइल शेयर किए होंगे, मतलब आपका कोलेबोरेशन में जितने जन भी होंगे तो उसमें आप उनका एडिट कर सकते हैं, मतलब किसी को व्यूअर वाला ऑप्शन दे सकते हैं, किसी को एडिटर वाला, जो भी है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, और इसका जो बाकी का पार्ट बचा वो नेक्स्ट संडे कवर करूँगी। और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप नॉलेज लेते रहिए और मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, क्योंकि अभी हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर माई चैनल एंड गिव योर फीडबैक, सब्सक्राइब माई चैनल, और सी यू सून ऑन नेक्स्ट संडे। लर्न मोर, डू योर बेस्ट एंड हैव गुड लक। टिल देन, बाय बाय।